नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो गया है आज के ताजा तरीन खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था के लिए राहत पैकेज पर विचार हो सकता है। लॉकडाउन के बीच यूपी के कुशीनगर में पिछले एक महीने से फंसे 133 थाई बौद्ध भिक्षुओं को आज उनके स्वदेश भेजा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी सरपंचों से सीधा संवाद करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार इस अवसर पर पीएम ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आज 47 साल के हो गए, लेकिन वे अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन ने कोरोना से निपटने की मुहिम में अग्रणी भूमिका निभा रहे लोगों के सम्मान में इस साल अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करने का निर्णय लिया था। लॉकडाउन के कारण दिल्ली की हवा स्वच्छ हो गई है। दरअसल लॉकडाउन में सड़कों पर बहुत कम वाहनों के चलन और प्रदूषणों के बिखराव के लिए अनुकूल मौसमी दिशाएं रहने से सीपीसीबी ने दिल्ली में PM 2.5 में 46% और PM 10 में 50% की कमी दर्ज की है। कोरोना से निपटने की मुहिम में पीएम नरेंद्र मोदी को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। दरअसल एक सर्वे में पाया गया है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार की कोशिशों में लोगों का यकीन बरकरार है और 93% लोगों का मानना है कि मोदी है तो चिंता नहीं है। आरएसएस से जुड़ी भारतीय शिक्षण मंडल स्वदेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाने के लिए 50 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया है। आपको बता दें कि इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अनुमान है कि भारत की जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष में 0.9% की गिरावट और 1.5% की ग्रोथ रेंज में रह सकती है। इसके पीछे का कारण लॉकडाउन को माना जा रहा है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और निर्माता करण जौहर ने कोरोना से निपट रहे डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल को एक गाने तेरी मिट्टी है के माध्यम से सम्मान और दिल से धन्यवाद देने की घोषणा की है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में केंद्र सरकार पर उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दिए जाने की बात कही और मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा कि अगर ऐसा ही रहा तो समस्या के इस समय में देश कोरोना से कैसे जीत पाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि कोरोना समस्या के दौरान देश में चुनाव कराने की जरूरत पड़ी तो वो दक्षिण कोरिया के चुनाव प्रक्रिया को देश में लागू कर सकता है। इसको लेकर चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहा कि हमारे लोग चुनावों के दौरान दक्षिण कोरिया की तरफ से किए गए संसाधनों का अध्ययन कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय की एक टास्क फोर्स ऐसे विशेष उपायों पर काम कर रही है जो कोरोना जैसे रोगों से लोगों को बचाने में कारगर साबित हो सकता है। खबरों की माने तो इस टीम ने कुछ उपाय का चुनाव भी किया है और ICMR की सहमति के बाद जल्दी ही इसे जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में लॉकडाउन की स्थिति को लेकर कहा कि केरल में कोरोना को लेकर केंद्र के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के प्राइवेट अस्पतालों को कोरोना के मरीजों का मुफ्त में इलाज करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों से कहा है कि वे कोरोना के मरीजों का इलाज करें और उनका पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। बेंगलुरु के हॉन्गसांद्रा नगर निकाय वार्ड की झुग्गी बस्ती में एक प्रवासी मजदूर के संपर्क में आने से कुछ लोगों को कोरोना होने की खबर सामने आई, जिसके बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों में ज्यादातर तबलीगी जमात से जुड़े होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों ने मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी को चिट्ठी लिखकर तबलीगी जमात पर यूपी में रोक लगाए जाने की मांग की है। आज कश्मीर में कोरोना के 19 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन और सतर्क हो गई है। आपको बता दें कि अब राज्य में कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 427 हो गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना की चपेट में आए दिल्ली पुलिस कर्मियों के इलाज के लिए एक विशेष कोरोना उपचार केंद्र बनाने का निर्देश दिया है।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रामपुर से सांसद आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फातिमा समेत आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को रमजान के महीने में इबादत और रोजे की फर्ज अदा करने के लिए जेल से रिहा करने का आग्रह किया है। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रमन मित्तल बता रहे हैं कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसानों के अनाज के एक एक दाने की खरीदारी की जाएगी। बिहार की राजधानी पटना से हमारे संवाददाता अंबुज कुमार बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने प्रदेश में निजी क्षेत्र के सभी 11 चीनी मिलों से कहा है कि किसानों के बकाए राशि का शीघ्र भुगतान करें। ऐसे समय में बकाए के भुगतान से प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों को बहुत राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता बीडी अनुरागी बता रहे हैं कि प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के पहल से विश्वविद्यालयों के छात्र छात्रा लॉकडाउन के दौरान ईमेल, व्हाट्सएप और एसएमएस से प्रदेश के 1.34 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना से बचाव की जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा बता रहे हैं कि जम्मू जिले में ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई ई पास की सुविधा अब बढ़ाकर पूरे जिले में कर दी गई है। असम से हमारे संवाददाता हिरेन गोगोई बता रहे हैं कि राज्यसभा सदस्य अजीत कुमार भुइया और पूर्व पुलिस महानिदेशक हरे कृष्णा देका ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात कर किसानों के नेता अखिल गोगोई को रिहा करने की मांग की। यूपी के संभल से हमारे संवाददाता सीताराम कुशवाहा बता रहे हैं कि संभल गुन्नौर थाना क्षेत्र के बैरपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान के 35 बीघे गेहूं खराब हो गए। दिल्ली से हमारे संवाददाता मुस्तकीम अंसारी बता रहे हैं कि देश में बढ़ते कोरोना के बीच राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी के जगजीवन राम हॉस्पिटल से एक लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां कोरोना टेस्ट के लिए गए लोगों को घंटों इंतजार के बाद यहां ना तो कोई डॉक्टर इन्हें देखने आया ना ही कोई जांच किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता एसपी सुखवाल बता रहे हैं कि प्रदेश के डीजीपी चित्तौड़गढ़ दौरे पर आए और रास्ते में जितने भी चेक पोस्ट आए उसका निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों का हौसला अफजाई किया। यूपी के महुआ से हमारे संवाददाता परवीन कुमार बता रहे हैं कि कुलपहार में एक कंटेनर में आए 85 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है। इस संबंध में महुआ जिला अधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने क्वारंटाइन सेंटर का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमारे संवाददाता महेंद्र वर्मा बता रहे हैं कि भारत की बहुउद्देशीय कंपनी आईटीसी ने उपायुक्त सोलन केसी चमन को कोरोना रिलीफ फंड में आटा, बिस्किट, जूस, सूप और सेवलॉन हैंडवाश भेंट किया ताकि जरूरतमंद लोगों की सेवा किया जा सके। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।